कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 आज हम इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 24.5 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हल करते हैं। हमारे पास वृत्त है, एक बिंदु है Q, इसकी वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं स्पर्श बिंदु है P, तो OQ हो गया 25 सेंटीमीटर और QP हो गया 24 सेंटीमीटर। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। हमने एक रूल पढ़ा है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये जो कोण P होगा ये होगा 90 डिग्री का, क्यों? वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ या त्रिज्या पर लंब होती है। अब इससे ये कोण भी आ गया 90 डिग्री, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था यदि एक समकोण त्रिभुज हो तो उसमें हाइपोटेन्यूज स्केल बराबर होता है बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल के। अब इसमें देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज जो कि हो गया 25, तो यानी कि 25 का स्केल बराबर होगा बेस जो कि है 24, 24 का स्केल प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ओपी, ओपी का स्केल। आइए इसे आगे हल करते हैं। 25 का जो स्केयर होगा वो होगा 625 बराबर 24 का जो स्केयर होगा, आइए करके देख लेते हैं, 24 चौके 96 हासिल आए 9, 24 दूनी 48 और 9 57 576 प्लस ओपी स्केयर। 576 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 बराबर ओपी स्केयर। 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 5 गया 0, तो ये आ गया 49 बराबर ओपी स्क्वायर। तो यहां से ओपी किसके बराबर आ जाएगा? 49 के वर्गमूल के बराबर। यदि ओपी का स्क्वायर 49 के बराबर है तो ओपी किसके बराबर होगा? 49 के वर्गमूल के बराबर, और 49 का वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? हमें निकालना था वृत्त की त्रिज्या, हम लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। यदि आप प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है।